हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो हमारा विशेष वीडियो ये है कि जैसे मान लो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मान लो तो उसके कपड़े, उसका बिस्तर, चारपाई और जो कुछ होता है लोग क्या करते हैं, नहीं तो उसके साथ ले जाते हैं जो उसको, मतलब किसी को जलाया दफनाया जो भी जाता है जिसी भी धर्म में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख ईसाई, जो भी जिसका धर्म है उसके अकॉर्डिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इसी पर है कि अगर उनके इन चीज़ों को साथ में जलाया जाता है या दफनाया जाता है या उनको फेंक दिया जाता है या उनको किसी को देते भी हैं लोग, जैसे कोई नाई है या कुछ है उनको दे देते हैं तो वो लोग ले लेते हैं। तो आज का जो विशेष हमारा जो वीडियो है वो इसी पर आधार है, क्योंकि जो वीडियो बनाने का क्या मतलब, वैसा तो कुछ नहीं बनाया है, कुछ मैंने नहीं डाला, अपने मुंह से ही बोल रहा हूँ। अगर इसको आपको लगे कि हाँ ये ठीक है या अच्छा है तो इस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कि मैं उन्हीं चीज़ों पर आज बात कर रहा हूँ। मान लीजिए जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है, जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान, उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। मतलब जिस दिन वो हो गया तो उसके सारा सामान उसके साथ ये निकाल दिया जाता है। बट अब जो मेरी बात है वो जो इम्पोर्टेंट है, निकाल दिया जाता है पर कोई, जो अभी ये गौर करने वाली बात है सबसे ज़्यादा, पर कोई भी उसके द्वारा कमाया गया, जो उसने कमाया, ठीक है ना, उसकी बात कर रहा हूँ, जो भी उसने कमाया धन दौलत प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसका जेवरात, उसका इत्यादि, इन चीज़ों को लोग क्यों नहीं छोड़ते, पैसा, प्रॉपर्टी, घर, मकान, खेत, जमीन, जायदाद, जेवरात, सोना, चांदी, इसको कोई नहीं छोड़ता। ये तो कह रहे नहीं नहीं ये हम सब रख लेंगे, इसको कोई नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो इन सबको नहीं छोड़े, बल्कि गले का हार, ठीक है, गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींच कर निकाल दिया जाता है। मान लो अगर किसी की ऐसे ही डेथ हो गई है तो उसकी जेब में अगर पैसा भी है ना तो वो भी लोग निकाल लेते हैं, उस पैसे को भी निकाल लेते हैं, उसका यूज करते हैं, लेकिन जिस पे वो लेटा हुआ था बिस्तर, चारपाई, उसको उसके साथ ही जला दिया था, उसके कपड़े तक, मतलब उससे रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो ये ठीक है, सही है, पता नहीं क्या है, मेरे को खुद नहीं मालूम है। तो अब जो आगे अब क्या होता है, उसका गले का हार, उसकी अंगूठी, सारी चीज़ें, कि रिश्ता किन चीज़ों से था, उसकी अंगूठी से, उसके जेवरात से, गले के हार से, धन से, प्रॉपर्टी से, इससे रिश्ता था, ठीक है, किन चीज़ों से रिश्ता था। आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार, आपका नाम इसे कोई नहीं छीन सकता। सोचो, आपका नाम, आपका परोपकार, ठीक है, आपका पुण्य, ये आपने कमाया है, ये आपके साथ ही जाएगा, ये आपका साथ जाता है बट लोगों के दिलों में रह जाता है कि वो इंसान चला गया, कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, ये चीज़ छोड़ के जाओ हमेशा, ये चीज़ इंसान छोड़ के जाता है। इसीलिए दोस्तों, हार्ट जले, ये जो पंक्ति है ना छोटी सी, एक हमारी छोटी सी पंक्ति है, इसको ध्यान से देखना, हार्ट जले ज्यों जले लकड़ी, हार्ट तो समझते हैं ना दिल, हार्ट जले ज्यों जले लकड़ी, केस जले ज्यों जले घास, यानी हार्ट, दिल जलता है जैसे जलती है लकड़ी,
और केश जले, केश का मतलब होता है बाल, हेयर, जैसे जलती है घास। तो हार्ट, दिल जले जैसे जलती है लकड़ी, और बाल जलते हैं जैसे जलती है घास। घास तो सब लोग समझते होंगे, ग्रास जो खेतों में होती है बाहर वो। कंचन जैसी काया, कंचन जैसी काया, जल गई कोई न आया पास। आपका पूरा शरीर जल गया लेकिन आपके पास कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आपके पास, जल गई आपकी। तो ये जो वर्ड्स मैंने आपको बोला है, ठीक है, इसीलिए मित्रों ऐसा काम करो, इसीलिए मित्रों ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं बल्कि मन के कारण तुमसे तुम जाने जाओ। तुम धन के कारण नहीं मन के कारण से नाम ले लोग, कि मन का अच्छा था और लोगों का जो है विचार, आजकल लोगों का विचार सबसे ज़्यादा पैसा हो गया है, सब पैसे पे ही डिपेंड रहते हैं। पैसा है तो तुम्हारी पूछेंगे, पैसा है तो तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे, पैसा इतना इम्पोर्टेंट कर दिया लोगों ने जिसका कोई हिसाब नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा कर दिया है। तो अब मैं उस पंक्ति को एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, उस पंक्ति को लास्ट में, एंड में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो को एंड तक देखो आप और समझो। हार्ट जले ज्यों जले लकड़ी, हार्ट जले ज्यों जले लकड़ी, और केस जले ज्यों जले घास, केस जले ज्यों घास, कंचन जैसी काया और जल गई कोई न आया पास। कंचन जैसी आपकी काया थी यानी सुंदरता थी, शरीर था, स्ट्रक्चर था जो हमारा बॉडी का, और सब जल गया और फिर कोई नहीं आया उसमें जलने के लिए। बाहर लोग बैठे थे देख रहे थे कि हाँ जब तक पूरा नहीं जल जाए तब तक इसको छोड़ के मत जाना यहाँ से, होता है ना ऐसा अपने हिंदुओं में करते ना, जब तक जल नहीं जाता है तब तक नहीं आते छोड़ के, कहीं हो सकता है कहीं बच जाए उठ के ना आ जाए, ये भी लोगों को परेशानी हो जाती है। तो जो मैन हमारा था ना, तुम्हारे धन के कारण नहीं मन के कारण कारण से नाम लें, धन से कोई नाम ना ले, मन से नाम ले, मन के कारण कि आपका मन कितना अच्छा था। यही था आज का लास्ट, इसको आगे भी फॉरवर्ड करो और वो करो, ठीक है, हो जाएगा। ये लंबा सा हाथ किसने मार दिया।